हे गाइस, दिस इज मी हर्षिका। तो हाँ, आज की वीडियो लगभग सवा महीने के बाद आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट 40 डेज, एंड इसके काफ़ी सारे रीजंस है। पहला कि मेरे पास टाइम भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ टाइम हो रहा है मेरे साथ, बिजी शेड्यूल रह रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि हम यूट्यूबर्स को एक साल में कुछ गोल अचीव करना होता है एज़ पर द गाइडेंस, तो वो मेरा अचीव नहीं हो रहा है, माई बैड। तो इसी वजह से मेरे पास कुछ मोटिवेशन भी नहीं था मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ बनाना। वो एक साल के टाइम पीरियड में अभी सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, तो यही 2 महीने जिसमें मैं ये गोल अचीव कर सकती हूँ। बट मेरे को पता है नहीं होएगा, क्योंकि जब 10 महीनों में नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा। तो हाँ, यही रीज़न था कि जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, क्योंकि मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मोटिवेशन भी नहीं है मेरे पास ये करने का। बट काफ़ी सारे कमेंट्स और DMs आ रहे थे मेरे पास कि पेपर नंबर 5 के लेफ्ट ओवर यूनिट्स और पेपर नंबर 6 करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो, ये जर्नी ख़त्म करने से पहले एटलीस्ट पेपर नंबर 5 मैं करवा दूँ, बाकी पेपर नंबर 6 तो मुश्किल ही मैं डालूंगी। पेपर नंबर 5 की आपकी यूनिट नंबर 1, 2 और 3 पहले से अपलोडेड है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 अपलोड नहीं हुई थी। तो ये है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 4 दोनों के नोट्स मैंने आज ही प्रिपेयर किए हैं, ताकि मैं दोनों वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर नंबर 5 के यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टर्म्स है, आपको बेसिकली इन टर्म्स के बारे में समझना है कि इन कौन सी टर्म क्या चीज़ डिनोट करती है, किसका क्या मतलब होता है, कैसे यूजफुल होती है, किस तरह से बेनिफिशियल होती है, एंड दैट्स इट। बाकी आप अपना बना के लिख सकते हैं। एंड इस वाली यूनिट में हमें बेसिकली करिकुलम के बारे में पढ़ने की, हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ करिकुलम्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास आता है स्पायरल करिकुलम। स्पायरल करिकुलम डिजाइंड इन विच की कॉन्सेप्ट्स आर प्रेजेंटेड रिपीटेडली थ्रू आउट द करिकुलम। स्पायरल करिकुलम एक ऐसा वे है कोई भी चीज़ को समझाने का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट थिंग्स को रिपीटेडली प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारा जो स्पायरल होता है तो इस शेप में होता है ना, यानी कि आगे एक स्टेप बढ़ रहा है बट फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है। यानी कि हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमारी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं, बेसिकली उसके की पॉइंट्स को पकड़ के चलते हैं, जिससे एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बट विद डिपेंडिंग लेयर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी और इन डिफरेंट एप्लीकेशन, सच ट्रीटमेंट अलाउज द अर्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर लेटर मोर स्पेशलाइज कोर्सेज इन द करिकुलम आफ्टर स्टूडेंट्स हैव मास्टर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर ऑफ्टन वेरी थियोरटिकल एंड लाइकली टू डिस्करेज स्टूडेंट्स हु आर अर्ली टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट दे आर लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यानी कि यही बात है स्पायरल करिकुलम में, आपको मेन यही समझना है कि जब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर हमारे प्रीवियसली जो उनको सिखाए गए हैं उन की पॉइंट्स में मास्टर हो जाते हैं, तब उसको आगे का समझाया जाता है। और हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, क्योंकि अगर हम बात करें एक सेशन की, तो एक सेशन मोस्टली 40 to 45 minutes का होता है। 45 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 45 मिनट से ज़्यादा हम किसी भी स्पेशल चाइल्ड को नहीं देते हैं एक सेशन के लिए। तो अगर हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे अराउंड 15 to 18 minutes उसमें लग जाते हैं। फिर हमारे पास लेफ्ट ओवर टाइम बचता है अराउंड 30 मिनट्स का, जिसमें हमें उसको आगे की नई चीज़ें सिखानी होती है। तो हाँ, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को पीछे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आपको वही चीज़ वापस से रिवाइंड करनी होगी। इन शॉर्ट, बच्चे का जो आपने करा दिया है उसमें मास्टरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकेडमिक करिकुला। अकेडमिक करिकुला इज अ सिस्टम ऑफ टीचिंग मैथड दैट एंगेजेस स्टूडेंट इन लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू एक्सटेंडेड इंक्वायरी प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड अराउंड कॉम्प्लेक्स ऑथेंटिक क्वेश्चंस एंड केयरफुली डिजाइन प्रोडक्ट्स एंड टास्क। तो बेसिकली अकेडमिक करिकुला हमारा फोकस करता है बच्चों की अकेडमिक्स की साइड पे। ऑफकोर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम बच्चे के मोरल्स और वैल्यूज और स्पिरिचुअल थिंग्स को इग्नोर करके या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके उसकी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो ऑफकोर्स अकेडमिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमें मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंटल साइंस, एसएसटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं।
तो इसमें हम बच्चे की बेसिकली नॉलेज और स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि आप सब ने पढ़ा होगा कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, प्रिंट लर्नर्स, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, ये सारे अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं। तो हमें इन सब के अकॉर्डिंग अपना अकेडमिक करिकुलम प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है, बट हाँ, ये बच्चे की बेसिकली नॉलेज और स्किल्स पे फोकस करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही एकेडमिक करिकुला आए तो इसमें आपको नॉलेज और स्किल्स के बारे में बात करनी है, जैसे ही स्पाइरल करिकुला आए तो इसमें आपको रिपीटेडली रिपीटिंग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इस वाली लाइन को याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे फंक्शनल करिकुला की तरफ। अब फंक्शनल करिकुला इज अ करिकुलम दैट फोकसेस अपॉन इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स एंड वोकेशनल स्किल्स। तो फंक्शनल करिकुला बेसिकली फोकस करता है हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स की तरफ, इन फेजिंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, जिसमें हमारे कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को भी कवर करता है। स्टूडेंट्स एट द सेकेंडरी लेवल हु आर प्राइम कैंडिडेट्स फॉर सच अ करिकुलम आर आइडेंटिफाइड। द प्रोसीजर फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट इन द करिकुलम इज डिस्क्राइब्ड एज वेल एज द मेथड्स फॉर द टीचिंग इन सोशल स्किल्स एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन कम्युनिटी बेस्ड जॉब्स। यानी कि जो फंक्शनल करिकुलम होता है, इसे हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस से कोई मतलब नहीं होता, ये हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए और सोशल स्किल्स के लिए वर्क करता है कि हमारी सोशल स्किल्स कैसी है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी में अपने आप को किस तरह से सेटल कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट लिविंग में आ जाता है कि हमारा लाइक ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी भी आप इसमें ले सकते हो, कि हमारे अंदर कितनी इंडिपेंडेंसी है एक स्पेशल चाइल्ड के अंदर, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके या फिर अपने सारे खुद के काम कर सके, ग्रूमिंग, इंटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एंड या हाइजीन लाइक बाथिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो आपको फंक्शनल करिकुलम से ये याद रखना है कि एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ये बच्चे की सोशल स्किल्स और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स की तरफ फोकस करता है। आप ये ध्यान रखो कि आपको जो भी करिकुलम है उसके लिए आपको कुछ कुछ दो तीन कीवर्ड्स पकड़ते चलने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस वर्ड को पकड़ के पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने लेसन प्लान बनाए हैं इतने सारे, आपने फर्स्ट में बहुत सारे बनाए होंगे, आई थिंक 50 तो बनाए ही होंगे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो गया होगा कि अगर बच्चे की फंक्शनल स्किल पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें उसमें बाथिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, ग्रूमिंग, ब्रशिंग, ये सब इंक्लूड करते हैं। एकेडमिक्स में हम बच्चे का लाइक कम्युनिकेशन या फिर कोई भी रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ये सब इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थीमेटिक करिकुलम। द थीमेटिक करिकुलम अप्रोच इज़ द प्रोसेस दैट इंटीग्रेट्स लर्निंग एंड टीचिंग विद अ स्पेसिफिक थीम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिधर हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को एक स्पेसिफिक थीम के अंदर प्रोसीड करते हैं, कि अगर हम लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कंडक्ट हो रहा है, तो ये किस थीम के अंडर में होएगा। द थीमेटिक करिकुलम इंक्रीजेज अ नेचुरल फ्लो ऑफ लर्निंग रेदर देन रोट लर्निंग। थीमेटिक करिकुलम हमेशा फोकस करता है कि बच्चे को नेचुरली चीज़ें याद हो, कंज्यूम हो, इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। आपको पता है हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, स्पेशली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, उनके लिए तो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए, प्रॉपरली कंज्यूम करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन वाली चीज़। टीचर्स एक्टिवली वर्क विद स्टूडेंट्स टू हेल्प देम डेवलप डिफरेंट स्किल्स। जो टीचर्स हैं उन्हें बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उन्हें डिफरेंट स्किल्स में मास्टरी कराने के लिए, जैसे कि थिंकिंग, कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि अगर हम स्लो लर्नर्स की बात करें या फिर IDD की बात करें, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं या फिर उन्हें कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो इस चीज़ के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। उन्हें जो कराया जाता है वो कर लेते हैं, या फिर जो भी एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है वो लेके वो टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। वो इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है कि मेरे को पर्सनली क्या पसंद है। रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, प्लेइंग, ये सारी स्किल्स पे एक टीचर को, एक टीचर ट्रेनिंग को ज़रूर वर्क करना चाहिए कि बच्चे की रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, क्योंकि ये सभी बच्चे की एक्सप्रेसिव और रिसिप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स के अंदर आता है। मेमोराइजिंग, बच्चे को कितना याद रहता है, ये तो है कि बच्चा अभी समझ रहा है, अभी इंटरेक्ट कर रहा है, बट विद इन 5 मिनट्स वो भूल जाए कि उसने क्लासरूम में या फिर उस पर्टिकुलर सेशन में क्या सीखा था। तो बच्चे का मेमोराइजेशन भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
प्लेइंग बच्चे का जरूरी नहीं है कि अकेडमिक्स में अच्छा तो बच्चा बहुत अच्छा, नहीं, बच्चे की प्लेइंग पे भी हमें फोकस करना चाहिए, उसकी फिजिकल हेल्थ की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस, और ये सारी चीज़ें हमें रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर ध्यान देनी चाहिए। स्टूडेंट्स इंक्वायर एक्सप्लोर एंड इनोवेट विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्स थीमेटिक करिकुलम, जो थीमेटिक करिकुलम होता है ये हेल्प करता है बच्चे को इंक्वायर करने में, एक्सप्लोर करने में, इनोवेटिव बनाने में। द फाउंडेशंस ऑफ दिस करिकुलम इज द अटेनमेंट ऑफ द नॉलेज दैट स्टूडेंट्स गेन फ्रॉम द कोहेरेंट लर्निंग मैथड, ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग। तो ऑफकोर्स बच्चे सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बना पाते हैं एंड सो ऑन। बस ये है कि आपको थीमेटिक करिकुलम में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे की डिफरेंट स्किल्स पे वर्क किया जाता है, थिंकिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा पे, एंड उसको एक प्रॉपर थीम या फिर एक अलग मेथड अपनाया जाता है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। स्टेप हाउ टू डिज़ाइन अ थीमेटिक करिकुलम, अब आपको कुछ स्टेप्स भी बताए गए हैं थीमेटिक करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। फर्स्टली यू नीड टू चूज द थीम कि आपको किस थीम को लेके काम करना है, आपको पहले वो थीम चूज करनी होगी। देन यू नीड टू डिज़ाइन द इंटीग्रेटेड थीमेटिक करिकुलम, अब आपने थीम चूज कर लिया है, अब आपको करिकुलम डिज़ाइन करना है उस थीम को ध्यान में रखते हुए। डिज़ाइन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस विल इंक्लूड टीम वर्क बाय द सब्जेक्ट्स मैटर एक्सपर्ट्स, अब आपने करिकुलम तो डिसाइड कर लिया, साथ में आपको इंस्ट्रक्शंस भी डिसाइड करनी है कि अगर आप वो करिकुलम को कंडक्ट करते हैं तो आप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस के साथ कंडक्ट करेंगे। एंड लास्ट इंकरेज कि आपको बच्चे को इंकरेज करना है, ऑफकोर्स जैसे कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो ऐसे ही बच्चे के पास मोटिवेशन होना चाहिए तभी वो आगे काम करेगा, तो इसलिए आपको बच्चे को हर चीज़ में इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ECC, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने इस नोट्स में डाला है। तो आपको ECC के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, फर्स्टली इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में पार्ट ए में ये पूछ लिया जाता है। तो ECC की फुल फॉर्म होती है एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। अभी क्या होता है, तो ये हमें बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस का इन अ स्पेशलाइज सेट ऑफ विजन रिलेटेड स्किल्स, ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्पेशली इंस्ट्रक्शंस के साथ, और ये फोकस करता है विजुअल रिलेटेड स्किल्स के ऊपर जो ब्लाइंड या फिर विजुअली इम्पेयर होते हैं। वाइल स्टूडेंट्स हु आर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेम करिकुलम एज द साइटेड पीयर्स, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेम करिकुलम फॉलो करें जो एक नॉर्मल चाइल्ड यानी जो देख सकता है वो बच्चा फॉलो करता हो। देयर आर सर्टेन एरियाज इन विच दे नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, कुछ सर्टेन एरियाज हो सकते हैं जिधर उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की नीड हो बिकॉज दे आर विजन लॉस, मीन्स एक नॉर्मल बच्चा और एक ब्लाइंड बच्चा, इन दोनों से उम्मीद की जाती है कि ये सेम करिकुलम सेम लेवल पे फॉलो करें। बट हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत हो सकती है बिकॉज उसका साइट नहीं है, ही इज़ ब्लाइंड, ही और शी इज़ ब्लाइंड, इसलिए हो सकता है कि हमें कुछ जगह सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़े। बट हाँ, ऑल ओवर ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं छोड़नी है जिसमें वो पीछे रह जाए। तो ये कहता है हमारा ECC। द एक्सपेक्टेड कोर करिकुलम इज़ अ बिल्ड अराउंड 9 core components, जो हमारा ECC है बेसिकली 9 core components के अराउंड में बना है। दे टेक क्लासेज डेडिकेटेड टू बिल्डिंग दे स्किल्स, ये क्लासेज भी दी जाती है इनकी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, इन 9 skills को बिल्ड करने के लिए। अब ये 9 areas कौन से हैं, आपको इन 9 areas के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहाँ गए पहला असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कि आप हमेशा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। कैरियर एजुकेशन, कैरियर के बारे में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कंपेंसेटरी स्किल्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स को हमें ऑफकोर्स प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, की बच्चे का ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कैसा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का उसकी कितनी एबिलिटीज़ हैं। रिक्रिएशन एंड लीजर, यानी कि वो अपने फ्री टाइम में कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर कौन सी वोकेशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी एफिशिएंसी, की अपने 5 senses का यूज़ करके किस तरह से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करता है। सोशल इंटरेक्शन स्किल्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमारा ECC भी ख़त्म होता है, एंड इतना ही आपका यूनिट नंबर 4 में इम्पॉर्टेंट है पेपर नंबर 5 से। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस पूरी यूनिट में से आपको पता है कि आपके एक टेस्ट में पूरा पेपर कवर करना है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में 5 sub topic भी है, जैसे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसमें 1.1, 1.2 till 1.5, ऐसे ही सारी यूनिट्स का है।
तो इट्स अराउंड 25 टॉपिक्स, और फिर उसके अंदर भी आप कितनी सारी जैसे कि अलग अलग करिकुलम के बारे में एक ही थीम में दे देते हैं, तो एक यूनिट से एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं। तो आपके पेपर नंबर 5 की यूनिट नंबर 4 में से ECC इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है। प्लस आप अलग अलग करिकुलम के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें से 2 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे एक पर्टिकुलर करिकुलम के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपको इस करिकुलम के बारे में बताना है। तो दैट्स इट फॉर द यूनिट नंबर 4 ऑफ पेपर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसके साथ आपका पेपर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।